हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं पढ़ा रहा हूं आपको गणित कक्षा 11 की डॉक्टर मनोहरी हर्षरूप शर्मा की बुक है। एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आपको पढ़ा रहे हैं। आपके पास बुक हो गई होगी, परचेस कर लिया होगा, तो मार्केट में मिलने भी लगी है। ठीक है, कोरोना वायरस के चलते आप लोगों को काफी कम प्रॉब्लम झेलने को पड़ रही होंगी। ठीक है, तो पर्सनली आज स्टार्ट करने वाला हूँ थ्री पॉइंट की। पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, फिर आप लोग उसको पढ़िएगा और अच्छे से एंजॉय करते रहिएगा। थ्री पॉइंट के स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको, जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को बेसिक चीज बताता हूँ, बेसिक के बाद उसके आगे सोल्यूशन करता हूँ। तो देखिएगा, आप लोगों को दिखाता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। इसमें आठ ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको आठ के आठ क्वेश्चन आज बताने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोगों को प्रश्नावली 3.K पढ़ना है। 3.K का पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या, थोड़ा सा अगर स्टार्ट कर रहे हैं पहले, तो आप लोग एक जरा सी आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप लोगों से ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा है पहले से सोल्यूशन, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोगों को उससे फायदा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा प्रश्नावली 3.K की महत्वपूर्ण मान बताना है। साइन 18 का मान आपको जी याद होना चाहिए। इसकी प्रूविंग आपको किताब में दी होगी, आप प्रूविंग वहां से देख सकते हैं। लेकिन साइन 18 का मान होना होता है √5 - 1/4। इसी का अपोजिट कॉस 18 का मान होता है √10 + 2√5/4 होता है। फिर कॉस 36 है, कॉस 36 का होता है √5 + 1/4 होता है। साइन 36 का इसी का जस्ट देखो, ये इसमें हमारा साइन 18 कॉस 36 में सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होता है, और कॉस 18 साइन 36 में हमारा प्लस माइनस का अंतर होता है, बाकी सारे मान सेम रहते हैं। दो मान आपको याद करना है और एक उसका अपोजिट प्लस या माइनस में होता है। ये हो गया 18 के। अब देखिए 18 और 36 को हो गया रिलेशन। अब आपको दिखाते हैं 72 और 54 के। देखिए साइन 72 बराबर होता है √10 + 2√5/4, यही हमारा कॉस 18 का मान होता है। कॉस 72 का √5 - 1/4, ये साइन 18 का मान होता है, सेम होते हैं। ऐसे ही हमारे पास होता है क्या, साइन 54 √5 + 1/4, और ये होता है कॉस 36 का। कॉस 54 बराबर होता है √10 - 2√4/4 बराबर होता है साइन 36। तो अब आप देख लीजिए, आपको सिर्फ आपको दो मान याद करना है, और उससे आप लोगों को क्या कितने फार्मूले बन जाएंगे। देखिए जो साइन 18 का मान होता है वही हमारा क्या कॉस 72 का होता है, और वही कॉस 36 का होता है। बस क्या वहां पे माइनस और प्लस का सेम थोड़ा सा ध्यान रखना है। साइन 18 और कॉस 72 और हमारा होता है ये फार्मूला, आपको ये सेम होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, ये यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपको वो वाले भी दिखा देते हैं, ये वाले भी, और फिर शुरू करते हैं आपको एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको तैयार कर देता हूँ। ये देखिए आप लोगों को एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर, ये रही आप लोगों को ये सोल्यूशन आ गया। लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 24। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 24 - कॉस स्क्वायर 6। देखिए कॉस स्क्वायर 24 - कॉस स्क्वायर 6 का मान याद करना है, तो हमको ये पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, लिखेंगे कॉस स्क्वायर 24 - कॉस स्क्वायर 6 बराबर होता है हमारे पास साइन 24 + 6 और इंटू में होता है साइन 24 - 6। यह रहेगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और ये हो जाएंगे हमारे पास साइन 18 डिग्री। अब देखिए हमको साइन 18 का मान अभी बताया था, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 18 का होता है √5 - 1/4। अब देखिए गुणा कर देंगे, ये जाएंगे √5 - 1/4 × 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा किसका, कॉस स्क्वायर 24 - कॉस स्क्वायर 6 का, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आसान है, बहुत आसान तरीका है, सिंपल भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर 18 - कॉस स्क्वायर 12। ये भी बहुत आसान है, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 48
और माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएंगी 12। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो याद आएगा कॉस स्क्वायर 12 माइनस का साइन स्क्वायर 48 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जाएंगे माइनस की कॉस 12 प्लस के हो जाएंगे 48, और जो हो जाएगा कॉस 12 माइनस का 48, तो जो हो जाएंगे माइनस के कॉस हो जाएंगे 12 और 48 हो जाएंगे 60 डिग्री, और जो हो जाएंगे कॉस माइनस के 36 डिग्री। कॉस माइनस का थीटा प्लस का थीटा होता है, तो याद आएगा कॉस 60 डिग्री माइनस जो हो जाएंगे कॉस 36 डिग्री। कॉस 60 का मान होता है हमारे पास 1/2, और जी कॉस 36 का मान होता है हमको पता है, अभी बताए थे अंडर रूट 5 प्लस का 1/4 होता है, तो जाने माइनस के रूट 5 प्लस 1/4 दुनी 8, जी मान हो गया किसका साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री का, जी आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी देखिए आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएंगे हम सभी लोग टेंशन फ्री। साइन स्क्वायर 126 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 126 साइन स्क्वायर 160 डिग्री का आंसर आपको बताना है, कैसे आएगा किस प्रकार से आएगा जी आपको बताना है। देखिए आपको मैंने बताया था कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, साइन 126 है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो याद आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर कर सकते हैं 90 प्लस का 36 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो याद आएगा हमारे पास साइन 90 प्लस 36 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे क्योंकि वहां से हम चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। होल स्क्वायर कह सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर 36, और माइनस का हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जी आ जाएंगे अंडर रूट 5 प्लस का 1, हमें सारे मान पता है, हमको फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साइन 60 का मान होता है रूट 3/2 का होल स्क्वायर, अभी इसका सोल्यूशन कर लेंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे जी बचेंगे 5 प्लस का 1 प्लस का 2√5/4 हो जाएंगे 4 माइनस के 3/4, हर हमारे सेम हो जाएंगे 4 चुक हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ से हमें क्या यार हमें 16 एलसीएम मिल जाएगा, तो कर ले लेंगे जी अचेंगे 16 5 और 1 हो जाएंगे 6 प्लस के 2√5 माइनस के 4 तय हो जाएंगे 12, तो इसको काट देंगे तो बचेंगे हमारे पास 2√5 माइनस के 6 बचेंगे 12 से 6 कम कर देंगे 6/16। ठीक अब देखिए इसको और थोड़ा दिक्कत जाएगा हमारा मॉडिफाई हो जाएगी, बचेंगे √5 माइनस के 3/3 हो जाएंगे 8, जी हमारा आंसर आ जाएगा। जी हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आप लगा सकते हैं। देखिए कॉस 5/10 प्लस कॉस 3/10, तो इसको ले सकते हैं क्या कॉस 180/10 हो जाएंगे 10 प्लस कॉस 13 गुणा हो जाएंगे 180/10, 10 से 10 कट जाएगा हो जाएंगे 0 कट जाएगा, कॉस बचेगा 18 डिग्री प्लस जी हो जाएंगे कॉस हमारे पास 234 डिग्री, तो कॉस 234 को चेंज कर देंगे, कॉस हो जाएंगे 18 प्लस हो जाएगा कॉस 180 प्लस के 54, तब हो जाएंगे 234, तो ये हो जाएंगे कॉस 18 डिग्री प्लस का जो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस 54। अब इसमें मान रख देंगे तो ये हो जाएंगे अंडर रूट 10 प्लस का 2√5/4 माइनस अंडर रूट 10 माइनस का 2√5/4, तो 4 एलसीएम मिल जाएगा, तो जी आ जाएगा हमारे पास काट लेंगे तो बचेंगे अंडर रूट 10 प्लस के 2√5 माइनस अंडर रूट 10 माइनस के 2√5, यही हमारा हो जाएगा आंसर। जी हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 बता दिए हैं आपको, 5 नंबर भी बता देते हैं, देखते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखिए आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आपको यहाँ पे मान रखना है, तो ये आ जाएंगे साइन हमारे पास 18 डिग्री आ जाएंगे, ये हो जाएंगे साइन 234, सेम वही सवाल है। अब क्या यहाँ पे साइन साइन 18 का मान होता है साइन 18 डिग्री, साइन 234 चेंज करेंगे माइनस का हो जाएंगे कॉस 36, ठीक कॉस 36 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के साइन, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे माइनस के 5 माइनस के 1/4, और ये आ जाएंगे √5 प्लस का 1/4, अब यहाँ पे मान रख देंगे तो ये आ जाएंगे माइनस के
पांच माइनस का एक बटी चार तुझे आ जाएंगे हमारे पास, क्या हो जाएंगे रूट फाइव, रूट फाइव हो जाएंगे एक तुझे चार चौक हो जाएंगे सोलह, ठीक तुझे आ जाएंगे माइनस के चार बटी चार गुणे चार, चार चार कट जाएगा तो बचेगा माइनस का एक बटी चार, ये हमारा आर एच एस हमको लाना था, हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः एल एच एस बराबर हो जाएगा हमारे पास आर एच एस। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, दस नंबर पांच नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आप लोगों को बता देते हैं छह नंबर क्वेश्चन, देखिए छह नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होगी। ये देखिए छह नंबर आपकी स्क्रीन पर ये लिख दिया है मैंने, सिद्ध कीजिए कि फोर साइन चौबीस प्लस कॉस साठ बराबर रूट थ्री प्लस रूट पंद्रह। एल एच एस लाना है तो हमने लिख लिया एल एच एस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ बराबर साइन लगा लेंगे, हो जाएगा फोर साइन चौबीस को लिख सकते हैं क्या हमारा हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे जो बताएंगे टू साइन चौबीस प्लस चौरासी बटे दो, क्योंकि इसके में चौबीस और चौरासी मान नहीं पता हमें, इंटू में आ जाएगा कॉस हमारा हो जाएगा चौरासी माइनस का हो जाएगा हमारे पास चौबीस बटे हो जाएंगे दो। इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार और, तो मॉडिफाई कर देते हैं आपको क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होगा, साइन 24 डिग्री प्लस जी आ जाएंगे कॉस 90 माइनस के चौरासी जी आ जाएगा, तो इसको सॉल्व हो जाएगा जी हो जाएगा हमारे पास साइन 24 और जी हो जाएंगे प्लस के साइन चौरासी। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या, जी हो जाएंगे चार तो जी हो जाएंगे हमारे पास फोर, इंटू में आ जाएगा हमारे पास बहुत आसान क्वेश्चन है जी हो जाएंगे टू साइन हो जाएंगे चौवन और जी हो जाएंगे डिग्री, जी हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ पे मान रख लेंगे तो मान रखते ही जी आ जाएंगे 4 इंटू में 2 साइन चौवन का चौवन ऐसे रख देंगे इंटू में कॉस 30 डिग्री रख देंगे, यहाँ पे मान चेंज कर लेंगे तो जी आ जाएंगे हमारे पास 4 गुणा 2 आ जाएगा सॉरी अंडर रूट 5 प्लस का 1 बटे 4 गुणा आ जाएगा रूट 3 बाई टू, चार से चार कट जाएगा दो से दो कट जाएगा तो ये आंसर मिल जाएगा हमें रूट थ्री प्लस के रूट हो जाएंगे पंद्रह, जो हमको लाना था जो हो गया आर एच एस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड आपका क्वेश्चन हो गया। ये हो गया छह नंबर क्वेश्चन, छह के बाद आपको दिखाते हैं सात नंबर क्वेश्चन, देखिएगा सात नंबर आज एक्सरसाइज आपको जो पूरी खत्म कर दी जाएगी इसी में, इसी समय आपको पूरे के पूरे सवाल बताए जाएंगे, तो आप लोग लगा लीजिएगा अच्छे से। अब आपको बताते हैं सात नंबर क्वेश्चन, देखिए सात नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं अच्छे से। टेन छह लिखा हुआ है, इसको खोल देंगे साइंस छह डिग्री बटे कॉस छह डिग्री, टेन पैंतालीस बयालीस को खोल देंगे साइन बयालीस बटे कॉस बयालीस, इंटू में आ जाएगा साइन छाछठ बटे कॉस छाछठ आ जाएगा सॉरी टेन को खोल देंगे जो साइन अठहत्तर बटे कॉस अठहत्तर, सब पे खोल देंगे, सबको खोलने के बाद यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे जो आ जाएंगे टू साइन छाछठ एक तरफ कर लेंगे और साइन छह एक तरफ कर लेंगे, नीचे दो का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे जो आ जाएंगे टू कॉस छाछठ इंटू में कॉस छ, इंटू में आ जाएगा दो साइन अठहत्तर डिग्री एक कर लेंगे और साइन बयालीस डिग्री अलग कर लेंगे, हो जाएगा टू कॉस अठहत्तर डिग्री एक कर लेंगे और जो आ जाएंगे कॉस बयालीस डिग्री। अब देखिए जी आ जाएगा टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस साठ डिग्री माइनस कॉस बहत्तर डिग्री, देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहे हैं आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, साठ में से बहत्तर छह कम कर देंगे छाछठ में छह कम करेंगे साठ बचेगा और छाछठ में छह जोड़ देंगे बहत्तर बच जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे पास कॉस छत्तीस माइनस कॉस एक सौ बीस और यह आ जाएगा हमारे पास कॉस छत्तीस और प्लस के कॉस एक सौ बीस आ जाएंगे। अब यहाँ पे मान रख देंगे ये वन अपॉन टू हो जाएगा, जी हो जाएगा साइन अट्ठारह डिग्री बटे ये वन बाई टू हो जाएगा प्लस साइन अट्ठारह डिग्री, देखिए यहाँ पे कॉस को कॉस नब्बे माइनस का अठारह कर दिए तो कॉस नब्बे माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, यहाँ पे चेंज कर दिए इस नीचे भी चेंज कर दिए यहाँ पे भी चेंज कर रहे हैं तो यह रहेंगे कॉस छत्तीस ऐसे रहेंगे माइनस ये रहेंगे माइनस कॉस एक सौ बीस का वन होता है माइनस का वन बाई टू ये प्लस का वन बाई टू हो गया कॉस छत्तीस डिग्री हो गया और ये हो जाएगा हमारा माइनस का वन बाई टू। अब देखिए यहाँ से इसको एलसीएम ले लेके सॉल्व कर लेंगे जी आ जाएंगे वन माइनस का टू
साइन 18 डिग्री बटे 1 प्लस का 2 साइन 18 डिग्री, ये रहेंगे 2 कॉस 36 डिग्री प्लस का 1 बटे बेटा कट जाएंगे, ये रहेंगे 2 कॉस 36 डिग्री माइनस का 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू कर लेंगे तो जाएंगे 1 माइनस का 2 अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे 4, ये हो जाएंगे 1 प्लस का 2 रूट 5 माइनस का 1 बटे 4 इंटू में 2 अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे 4 और प्लस का 1 बटे आ जाएंगे 2 अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे 4 और जी माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस पर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ जाएगा 4 एकम 4 हमको अंडर 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूना 4 दो में से 2 जा जाएंगे 2 माइनस के रूट 5 प्लस का 1 बटे हो जाएंगे 2 प्लस का रूट 5 माइनस का 1 इंटू में जाएगा रूट 5 प्लस का 1 प्लस के 2 बटे रूट 5 प्लस का 1 माइनस के 2। इसको सॉल्व कर लेंगे जा जाएंगे हमारे पास 3 माइनस के रूट 5 बटे 1 प्लस के रूट 5 इंटू में जाएंगे 3 प्लस के रूट 5 बटे आ जाएंगे रूट 5 माइनस का 1। ऊपर वाला अंकार बन जाएगा 3 3 9 माइनस के 5 बटे आ जाएंगे हमारे पास 5 माइनस का 1 तो जा जाएंगे 4 बटे 4 तो ये हो जाएगा कट जाएगा क्या बचेगा एक आंसर हमको मिल जाएगा जी हमको आरएचएस में लाना था। जी देखिए आपका सोल्यूशन हो गया सेम तरीके सेम बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे ही ये देखिए क्वेश्चन आपके पास एक आ गया 8 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन भी है। क्या लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 10 20 10 40 10 80 10 60 तो 10 20 10 40 10 60 को सॉल्व करना है तो एलएचएस ले लिए 10 को खोल लेंगे साइन 20 बटे कॉस 20 साइन 40 बटे कॉस 40 साइन 80 बटे कॉस 80 इसको ऐसे रख लेंगे इस पे 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएंगे इतने पार्ट में तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin A 2 sin B का फॉर्मूला बन जाएगा ये बन जाएंगे कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बटे आ जाएंगे कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री जो हो जाएगा हमारे पास साइन 80 डिग्री बटे कॉस 80 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या कॉस 20 डिग्री इंटू में कॉस 80 डिग्री माइनस हो जाएगा हमारे पास 1/2 ले जाएंगे साइन 80 डिग्री हो जाएगा हमारे पास कॉस 80 डिग्री और ये हो जाएंगे हमारे पास कॉस 80 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 कॉस 60 का मान हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉस 80 डिग्री इंटू में आ जाएगा कॉस 20 डिग्री फिर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 तो ये हो जाएंगे 2 कॉस 80 कॉस 20 ठीक है कॉस 80 और कॉस 20 आ जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस का साइन 80 नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस 80 प्लस का 2 कॉस 80 इंटू में कॉस 20। अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारी वैल्यू हो जाएंगे 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा तो हो जाएंगे हमारे पास साइन 100 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और माइनस का साइन 80 डिग्री बटे आ जाएंगे हमारे पास कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री और प्लस के हो जाएंगे कॉस 60 डिग्री कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी का फार्मूला लगा देंगे हम 2 पे तो ये हमारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा हमारे पास साइन 180 माइनस का 80 और ये आ जाएंगे प्लस साइन 60 माइनस साइन 80 नीचे वाले चेंज कर लेंगे जा जाएंगे कॉस 80 ऐसे रख देंगे प्लस इसको चेंज कर लेंगे कॉस 180 माइनस का 80 चेंज करेंगे ये आ जाएंगे प्लस के कॉस 60 साइन 180 माइनस का थीटा होता है हमारे पास क्या साइन थीटा प्लस साइन 60 माइनस साइन 80 ठीक और ये हो जाएंगे कॉस 80 प्लस अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा तो ये आ जाएंगे कॉस 80 डिग्री प्लस हो जाएगा कॉस 60 डिग्री ये जी 5 प्लस कट जाएंगे जी बचेगा साइन 60 डिग्री बटे
कॉस 60 डिग्री, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो याद आएगा हमारे पास साइन अपन कॉस हो जाएगा 10 60 डिग्री, यही लाना था हमको। आर एच एस में ये हमारा हो गया, लिख लेंगे अतः एल एच एस बराबर हो जाएगा हमारे पास आर एच एस। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई, एक ही लेक्चर में आपको एक्सरसाइज समाप्त हो गई। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करके जरूर जाइएगा। अगर अभी भी आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए, नए जोश नई एनर्जी नए साथ। बाय बाय।